आपसे, since you're playing the commandos and NSG commandos, तो एक आप training का process please बताइए, because now we had real Colonel as well on set, तो आप बताइए, how was it training? Get into the posture, to get into everything, so it is a difficult thing, so please tell us about it. On. Can we have the attention of everyone? Silence, please. Basically, ये बहुत आसान लगता है कि आपने यूनिफॉर्म पहनी और थोड़ा सा बाल छोटे करवाए और उसके बाद गन पकड़ी और चिल्लाते हुए चले गए. इस तरह से नहीं है. यहाँ पर खास तौर पे इस सीरीज के अंदर, क्योंकि ये रियल लाइफ कमांडोज के बारे में है और मैं एक रियल लाइफ कमांडो जो अभी भी सर्व कर रहे हैं मणिपुर में, कर्नल शर्गिल शराद का पार्ट प्ले कर रहा हूँ. अर्जुन इज प्लेइंग द मार्टर मेजर संदीप मुनि कृष्ण. उनको रिलीव करना, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसको रिलीव करना और किस तरह से इंडियन आर्मी के जो ऐसे कमांडोज हैं वो ऑपरेट करते हैं, क्या उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है, क्या उनका तरीका होता है, क्या उनका फुटवर्क होता है और क्या उनका एक एटीट्यूड है, वो सीखना बहुत जरूरी था. और उसके लिए कर्नल संदीप सर हमारे गाइडिंग लाइट वाले, उन्होंने सिखाया. हम लोगों ने वेपन ट्रेनिंग की है, जो वेपन्स एनएसजी कमांडोज यूज करते हैं हम लोगों ने उसकी ट्रेनिंग की, किस तरह से वो ऑपरेट करते हैं एज यू नो एज ए यूनिट, उसकी ट्रेनिंग की. एंड ऑफकोर्स जो भी एफर्ट Zee5 की तरफ से हो सकता था टू मेक अस लुक द पार्ट इन टर्म्स ऑफ आवर यूनिफॉर्म्स, इन टर्म्स ऑफ आवर स्टार्स एंड स्ट्राइप्स, एंड किस तरह से आप किस तरह से आप लोग फ्रॉम रियल लाइफ टू रियल लाइफ में आते हैं, वो एक प्रोसेस था. मुश्किल नहीं कहूंगा मगर सीखने वाला जरूर था और काफी कुछ सीखने वाला था. जो आई थिंक कर्नल सर ने हमें लाइक आई सेड हमारे गाइडिंग लाइन बने और हमें करवाया और हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना ऑथेंटिक उसको कर सकें, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि ऑडियंस सिर्फ देख रही है, एनएसजी ने खुद देखना है इस सीरीज को, तो उनके सामने हम कहीं शर्मसार नहीं हो जाए. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. पहले तो यूजुअली जो फिल्मी जो टीवी पे भी दिखाते हैं वो उतनी ट्रेनिंग, वहाँ पर भी मैं ट्रेनिंग के लिए गया था, लेकिन यहाँ पर right from the way you stand, the amount, you know, the angle that you're supposed to bend, kitna hona chahiye. So he's been correcting us in each and every little thing. And usually when you're shooting, jab aap us process mein hote ho, kai baar wo, you know, chup jaata hai. Ya, aisa nahi hai ki humne ek mahine ki training ki hai, but a few days with him. And he's always there on set, that is, you know, hats off to him. Wo har baar jab shoot ho raha hota hai, set pe hote hai, to make sure that we do it correctly, because जब भी हम उनसे पूछते सर आप इतने इन्वॉल्व हैं तो वो कहते हैं कि आप लोगों से ज़्यादा इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जब मैं अपने सोल्जर्स के पास कभी उनसे बात करूँगा, जब वो लोग ये सीरीज देखेंगे तो मैं नहीं चाहता कि वो लोग कहें कि सर आपने ये क्या किया. सो ही इज सो सीरियस एंड बिकॉज ऑफ दैट इट एड्स टू द सीरीज, इट्स इट हेल्प्स अस एज एक्टर्स और इट्स जस्ट amazing to do it exactly the way it happened. Actually जब हुआ होगा वहाँ पर 26/11 को, तब क्या हुआ, कैसे वो कमांडोज अंदर गए, क्या उनकी साइन लैंग्वेज थी, the way they strategized everything, वो सारी चीज़ें he's always there to guide us and to make sure that we don't do it in the wrong way. So that is really the best part about the show. And it's just an honor, like I said before, to play Sandeep Mune Krishnan's role because he was the training officer. So मेरे लिए तो और भी ज़्यादा important है क्योंकि I am the training officer, कि मैं सब कुछ सही करूँ, कि पता चला बगल वाला सही कर रहा है और मैं नहीं सही कर रहा तो बहुत खराब लगेगा. So
एक लास्ट क्वेश्चन अबाउट एनएसजी दैट एवरीबॉडी शुड हियर. एनएसजी इज सो प्रिसाइज कि वो एक मोटो फॉलो करते हैं, वन शॉट वन किल नो लक ऑल स्किल, दैट प्रिसाइज. अभिमन्यू सिंह अप्रोच मी फर्स्ट, तो वो जो किताब लिखी है संदीप पुनिथन ने थ्री सीज ऑफ मुंबई, वो किताब मैंने पूरी पढ़ी हुई है और वो किताब जो है वो सच्चाई के बहुत ज़्यादा करीब है. तो जब मेरे को ये पता लगा कि इस स्टोरी पे, इस किताब पे ये सीरीज़ बन रही है, तो मैं अपने आप इसमें इंटरेस्टेड हो गया, क्योंकि कोई अगर सच्ची कहानी को दिखाए तो मेरे को ये लगा कि, और उन्होंने मुझसे पूछा जब कि आप इसको हमारी हेल्प कर सकेंगे, तो मेरे को भी ये लगा कि कोई अगर एनएसजी के बारे में आ रहा है, बता रहा है, इस तरीके की पिक्चर मूवी सीरीज़ बहुत कम बनती हैं हिंदुस्तान में, तो मैंने सोचा कि ऐसा ना हो कि ये भी कई आम मूवी की तरह बने और इसमें सच्चाई के बहुत नज़दीक बने. असली जो ऑफिसर्स इसमें एक्ट कर रहे हैं, कमांडो बने हुए हैं, वो ही एक्शन करें जो एक्चुअली कमांडो करते हैं. तो मेरे को भी लगा कि मेरे को इससे जुड़ना चाहिए, तो मैं खुद इसमें इंटरेस्टेड हूँ. सबसे पहले तो सब्जेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग था एंड दिस इज़ समथिंग दैट वी ऑल हैव लिव्ड एंड गॉन थ्रू, और तो बहुत ही और Zee5 पे था. अपार्ट फ्रॉम दैट, जब मुझे मेरे किरदार के बारे में पता चला कि संदीप उन्नीकृष्णन का रोल, तो मैं बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गया, बिकॉज आई न्यू उनकी कहानी मुझे थोड़ी बहुत पता थी, लेकिन मैंने जब रिसर्च किया तब आई वॉज सो हैप्पी कि मुझे ये रोल प्ले करने का मौका मिल रहा है. एंड तो इनसे काफ़ी सारी हेल्प मिली हमें, बिकॉज इन्होंने पूरा जो डिस्क्रिप्शन है उसके संदीप जी के लाइफ में क्या क्या टर्मोइल चल रहा था, हाउ ही वॉज एज अ ट्रेनिंग ऑफिसर, वो बात कैसे करते थे, तो वो सारी चीज़ें इन्होंने मुझे बताई. एंड आई वॉज वो कहते हैं ना ओवरवेल्म्ड कि एक एक्टर के ज़िंदगी में कई रोल आते हैं, लेकिन कुछ रोल ऐसे होते हैं जो हमेशा उसके साथ रहते हैं एंड यू फील वेरी प्राउड. आई थिंक माई सन ऑल्सो विल बी वेरी प्राउड कि यू नो आई एसेड द रोल ऑफ मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, एंड आई से इट विथ सो मच प्राइड वेन एवर आई से इट कि आई एम ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सीरीज. जस्ट वंस, इट इज़ अ सेंसिटिव इशू नॉट ओनली फॉर मुंबईकर्स बट आई थिंक एवरीबडी इन इंडिया, कि इंडिया पर ऐसा अटैक कैसे हो सकता है. एंड जैसे कि मैंने प्रेस कॉन के टाइम पे भी कहा था कि मैं टाउन में पला बड़ा हूँ, मेरा कॉलेज वहाँ था, मैं इन सारी जगहों पर जा चुका हूँ, और तो मेरे लिए एक आई थिंक फॉर एवरी इंडियन वाज अ पर्सनल अटैक ऑन देम सेल्व, तो बहुत इमोशंस इन्वॉल्व है. मुझे याद है मैं एक सीन कर रहा था जब मैं ऑफिसर्स को यू नो आई वाज पेपिंग देम अप एंड सच में आँखों में आंसू आ गए वो बोलते बोलते. एंड दैट्स द काइंड ऑफ पैशन एवरीबडी इज़ इन्वॉल्व विथ इन दिस शो, इन दिस सीरीज, एंड एवरीवन इज़ पुटिंग इन देयर बेस्ट एफर्ट, थैंक्स टू हिम. वी कीप रिपीटिंग दैट, बट एवरीबडी पर्सनली ऑल्सो वॉन्ट्स टू गिव इट देयर बेस्ट, ताकि जब ये सीरीज आए तब लोगों को पता चले कि एनएसजी के पर्सपेक्टिव से क्या क्या हुआ जो अब तक नहीं दिखाया गया है. So that's what we want people to know. Okay, apart from
आई थिंक सबसे बड़ी बात है कि आप स्टोरी से अट्रैक्ट होते हैं, कैरेक्टर तो आपका बाद में आता है क्योंकि वो हिस्सा होता है स्टोरी का. कर्नल सुनील शेरॉन जिनका पार्ट मैं प्ले कर रहा हूँ, वो कमांडिंग ऑफिसर थे इस यूनिट के जो दिल्ली से आई थी एज एन एनएसजी यूनिट रेस्क्यू करने के लिए. और उनके टीममेट थे कर्नल हमारे संदीप सेन साहब रियल लाइफ में भी. और उनके बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा पता नहीं है क्योंकि वो एक तो थोड़ा सा आई थिंक एनएसजी की आदत नहीं है कि बहुत ज़्यादा अपने बारे में आप बढ़ चढ़ के आगे बात करेंगे. दे कम, दे क्लीन स्वीप, दे डू देयर जॉब एंड दे लीव. और सेन साहब ने हमें बताया कि जैसे सुनील शेरॉन कर्नल साहब हैं, वो एक ब्रेव हार्ट थे और एक उनको एक खिताब दिया गया था बुलेट कैचर का, क्योंकि दो बार किसी तरह से एक नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंसी हुई थी उसमें ही वो शॉट, दो बार ऑलमोस्ट डेड होने के बाद इस तरह की यूनिट को कमांड करना वो अपने आप में एक काबिल तारीफ है. उनका कैरेक्टर तो इतना ज़्यादा ओवरवेलमिंग है ही कि हम लोग आई एम फीलिंग वेरी ऑनर्ड कि मैं उनका पार्ट प्ले कर रहा हूँ. और जो एनएसजी की यूनिट ने मुंबई शहर के लिए किया, हिंदुस्तान के लिए किया, और जो हमारे सिटीजन्स उस सिचुएशन में थे उनको बचाने के लिए जो एफर्ट्स किए, उसके बारे में मेरे को लगता है दुनिया को बताना बहुत ज़रूरी था. और ज़रूरी इसलिए भी था कि आम लोगों को आम तौर पे सिर्फ एक 26/11 के बारे में मालूम है, मगर कहाँ किस तरह से जिसको बोलते हैं हु व्हेन व्हाट वेयर व्हाई ऑल द 5 W's, वो आपको इस सीरीज से पता लगेगा. दिस वाज आफ्टर ऑल द 9/11 ऑफ इंडिया. 26/11 वाज द 9/11 ऑफ इंडिया एंड हाउ वी कॉन्कर्ड दैट, हाउ वी ओवरकेम द इशू एंड रेस्क्यूड द सिटी, ये है. और इस सीरीज़ का पार्ट बनना और इस तरह के किरदार को प्ले करना जो रियल लाइफ में अभी भी हीरो हैं, अभी भी वो मणिपुर में सर्व कर रहे हैं, आई थिंक वो एक मेरे लिए ऑनर है. ओके सर, आपसे जानना चाहेंगे ये 26/11 मूवी भी आई थी, अभी वेब सीरीज आ रही है, तो इसमें क्या डिफरेंस होगा 26/11 मूवी से? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. आज तक जो भी मूवी बनी है या शोज़ बने हैं या फिल्म बनी हैं, जो भी बना, उस कंटेंट में क्राइसिस को दिखाया है, विक्टिम्स को दिखाया है, बट क्राइसिस हु टर्मिनेट्स द क्राइसिस उनकी कहानी नहीं है. ये कहानी है जो उस क्राइसिस को ख़त्म करते हैं, कैसे करते हैं, उनके क्या चैलेंजेस थे, उनकी क्या स्टोरी है, ये है. आप ना दैट्स ऑल आई फिनिश्ड. आई थिंक द चार्ट शीट वॉज, आई थिंक ऑल ऑफ देम आर गुड इन देयर ओन वे. दूसरे लैंग्वेजेस में वो उतना समझ नहीं आया, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक चार्ट शीट वॉज एक्साइटिंग. आई थिंक द लाइन ऑफ डिसेंट वॉज वेरी यू नो कैची. रंगबाज अगेन, फिर से आई थिंक एवरी वन हैज़ देयर ओन जर्नी. और वो कहते हैं ना, यू कैंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, सो यू हैव टू एक्चुअली वॉच ऑल द सीरीज. ट्रेलर सारे ही अच्छे होते हैं, बट यू हैव टू एक्चुअली वॉच एंड गिव एन ऑनेस्ट ओपिनियन अबाउट वॉट एवर यू लाइक. गाइस, वी टेक द लाइक. थैंक यू. थैंक यू. ब्रह्मास्त्र की अगर बात की जाए तो पहला सीजन तो सब लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया था. ब्रह्मास्त्र में क्या नया देखने मिलने वाला? और ज़्यादा पसंद करेंगे लोग. और क्या मतलब नया? मतलब ये मैं जिमी शेरगिल, सभी नए, कोई पुराना नहीं, सारे नए लोग हैं. डायरेक्टर पुराना नहीं है, वी आर ऑल न्यूकमर्स. राइटर पुराना है, बाकी सब ऑल न्यूकमर्स. बाकी फिर आप देखेंगे कैसे इसको, अगर बता देंगे तो. देखो कहानी सिंपल ऐसी है कि कोई भी इंसान क्रिमिनल बन के पैदा नहीं होता, वो परिस्थितियों से क्रिमिनल बन जाता है. तो थीम ही इस शो का वो है. तो कैसे जिमी सर की लाइफ चेंज होती है और कैसे वो क्रिमिनल बनते हैं, कौन कौन लोग हैं जो उनके साथ हैं, कौन कौन लोग हैं जो उनके विरुद्ध हैं, और उस शो में क्या कैसे वो राइज करते हैं, ये शो है रंगबाज. और कैसे उनका आगे फ्यूचर क्या होता है ऐसे लोगों का, इट्स अबाउट. मेरा कहाँ पता चला, इनका ज़्यादा है मुझसे, है ना. ट्रेलर में मेरा ज़्यादा कुछ पता नहीं. मैं सरप्राइज पैकेट हूँ इसमें. हम सभी सरप्राइज है. मैं सिर्फ उसमें तेरा तो फिर भी ज़्यादा. तीन शॉट हैं सर टोटल. तीन शॉट मेरा जैसे डार्क में आता है, निकल जाता है. तीन शॉट हम लोग निगलेक्टेड एक्टर्स हैं शो में. अभी धीरे धीरे रिवील होगा, आगे और रिवील होगा. सो छुपा के रखा गया हमको. हाँ तो
मैंने देखा नहीं यार, सॉरी. आपने देखा सर? नहीं, मैंने भी नहीं देखा. डायलॉग्स बहुत अच्छे, तो राइटर सेम है तो डायलॉग्स तो अच्छे होने ही होने. सिद्धार्थ है, उसको अभी बेस्ट राइटर का अवार्ड भी मिला था. है करेक्ट में, और इसमें भी बड़े नए नए अच्छे अच्छे डायलॉग हैं, और वो तो कमाल. भाषा थोड़ी अलग है इस बार, क्योंकि राजस्थानी अलग है, राजस्थानी हरियाणवी मिक्स है, तो एक अलग लहजा है, एक अलग पैटर्न है डायलॉग्स का. हमारा एक डायलॉग कोच भी था, एक्सेंट कोच महादेव करके हमारे डायलॉग कोच थे. तो इस बार एक अलग तरीके का एक स्वैग देखने को मिलेगा पूरे शो के अंदर, हर एक के अंदर, हर एक कैरेक्टर में. उसके बाद आप कहेंगे आप हमारा स्वागत नहीं करोगे. हम सब ठीक ठाक एक्टर हैं, हम सेट पे कर लेते थे वैसे. हम सेट पे सेटिंग हो जाती थी, सब जैसे आप लोग अभी ठीक ठाक सेटिंग कर रहे थे ना. सब मुझे मतलब मैं तो न्यूकमर था, बाकी सब सीनियर एक्टर्स मेरे साथ में थे. ये सबसे, ये बहुत न्यूकमर है. सबसे जूनियर इनका लेटेस्ट छत्रपति शिवाजी महाराज. सबसे जूनियर इन सब में. यंग, मैंने डाई करना, मैंने डाई करना छोड़ दिया. तो मैंने शो में सबसे पहले सबकी उम्र पूछ ली कि कौन है. मैंने कहा शायद मैं ही सबसे छोटा लग रहा हूँ इसके अंदर. तो मुझे, मैं 57 हूँ, ये 56 और 8 महीने. सीने की बात थोड़ा चल रही है, सीना मेरा है 56 इंच का. मैंने कब मना किया? ऐसी 56 इंच वाली बातें नहीं करो, सॉरी. छत्रपति शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज, ये लो अभी एक और वायरल हुआ तुम्हारा. अरे नहीं नहीं, नहीं नहीं, तो अलग अलग समय पे शूट किया हुआ है. ऑब्वियसली मैंने तानाजी शूट की थी पिछले साल और इस साल के शुरुआत में, और रंगबाज हमने अभी शूट किया है 1-1.5 महीने पहले. तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी उस ट्रांसफॉर्मेशन की, बिकॉज ऐसा नहीं था कि मैं आज ये शूट कर रहा हूँ वो शूट कर रहा हूँ. ये एक्चुअली सही बोलो ना, ये बड़ा अटपटा सवाल लगता है. हाँ, क्योंकि कलाकार हम सब एक्टर्स हैं और ये हमारा, ये हमारा काम ही है कि हमको अलग अलग किरदार कर लेते हैं. कितना मुश्किल था, अगर आसान हो तो करेंगे क्यों. आसान होगा तो फिर जो कम कम कैलिबर वाले एक्टर हैं जो ज्यादा पैसे लेते हैं और उनसे करवा लेंगे. ओके, सो अगर बात की जाए हिस्टोरिक फिल्म्स की, तो सॉरी, हां हिस्टोरिक, अभी अपन रंगबाज की बात कर ले यार. अपन लोग रंगबाज की बात कर रहे हैं यार. हिस्टोरिक फिल्म्स की बात, हां मतलब जैसे हिस्टोरिक फिल्म्स होती है उनकी अगर बात की जाए तो लोग पहले ही उस पर कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देते हैं. कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. ना मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, ना मुझे सफाई देने की ज़रूरत है. वो आपस में निपट लें, मुझे क्या करना है. सही बात है. हाँ, तो मैं, लेकिन मैं थोड़ा, मैंने थोड़ा ना कुछ ऐसा, मेरे को एक मेरे को रोल दिया गया, कुछ भी कंट्रोवर्शियल नहीं. मैंने वो रोल अदा किया पूरी ईमानदारी के साथ, वही मेरा काम है. और जनता भी वही देखना चाहती है, वो नहीं चाहती कि मैं किसी से झगड़ा करूँ किसी के साथ या कुछ करूँ. मैं बड़ा शरीफ फैमिली वाला आदमी हूँ. ओके, थैंक यू.